إن الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اگر فرعون اٹھتا ہے تو موسیٰ کی عصا بن جا زمانے کے لیے کچھ کر کہ اندازِ وفا بن جا کبھی خالد کبھی ذرار سی جرأت بھی پیدا کر کبھی صدیق سا عاشق کسی کا آسرا بن جا نبی کے عشق میں حسان سا ماحول پیدا کر کبھی ایمان کی آتش میں عمر کا دبدبا بن جا تیری ہر ایک صدا میں بلالی لحن پیدا کر علی کا جوش بن جا عثمان کی حیا بن جا یہ دنیا انقلابی زندگی چاہتی ہے اے خالد کچھ ایسا کام کر زمانے سے جدا بن جا باوقار علماء کرام معزز سامعین عزام عزیز دینی بھائیوں بزرگوں نوجوانوں اور معصوم بچوں پردوں میں سماعت فرمانے والی پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں ابھی مجھ سے پہلے الحمدللہ میدان خطابت کے شہ سوار حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی عبد الرحمن صاحب قاسمی دامہ فیوزہ ہوں بڑی سریلی اور مدلل گفتگو آپ حضرات سے فرما رہے تھے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے اسٹیج پر اکابرین امت تشریف فرما ہیں میری حاضری حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی ساجد صاحب دامت برکات العالیہ کے توسط سے آپ کے اس دیار میں ہوئی ہے دعا کریں اللہ صحیح کہنے کی
और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। मेरे भाई, ये बात मैं और आप बखूबी जानते हैं, उलमाए कराम इसी तरह अवामुन्नास अपने एतबार से उलमा महज़ब और मदल्लल अंदाज के एतबार से इस बात पर यकीन रखे हुए हैं कि इंसानों की कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकाम को मानने में और उन अहकाम को नबी के नक्श कदम पर चलकर के दिखाने में है। अगर कोई बंदा ये चाहे कि मैं इस जमीन पर कामयाब इंसानों में हो जाऊं, अल्लाह के सामने बावकार जाऊं, अल्लाह के सामने इज्जत और एहतराम का लायक कहलाऊं, तो उस इंसान को चाहिए कि इस जमीन पर अल्लाह के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारे, अपने महबूब के मुताबिक उस जिंदगी को गुजार करके दिखाए। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, मेरे अल्लाह ने अपने अहकामात अपने कुरान मुकद्दस के जरिए से उतारे, लेकिन साथ में मेरे अल्लाह ने अपने महबूब को मुअल्लिम बना करके भेजा। वजह यह है कि आप अपनी उम्मत को ये जो अहकाम मेरे कलाम में है, जरा उनको करके दिखाओ, जरा उनको करके सिखाओ। इसीलिए जब हम कुरान मुकद्दस को पढ़ते हैं और अपने महबूब के आने की वजह अल्लाह से मालूम करते हैं, तो मेरा अल्लाह भी कुरान में कई जगह यही इरशाद फरमाता हुआ नजर आता है, रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा वयुज़क्कीहिम। मेरा अल्लाह यही कहता हुआ कि हमने अपने महबूब को मबऊस किया, ऐ अल्लाह के नेक बंदो, ताकि वो तुम्हें किताब का इल्म सिखाए, वो तुम्हें किताब की तिलावत करके बताए, वो तुम्हें हिकमत की बातें सुनाए, वो तुम्हें कुछ और चीजें बताए, वो तुम्हारे दिलों का तस्किया करे, वो तुम्हारे दिलों को साफ करे, तुम्हारे दिलों से मैल और कचैल निकाले। ये हमने अपने महबूब की जिम्मेदारी लगाई, तो मेरे अल्लाह ने अपने महबूब को मुअल्लिम बना करके भेजा है। तभी तो कुरान कहता है, ऐ अल्लाह के नेक बंदो, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, अगर कोई इंसान कामयाब होना चाहे तो उसे अपने महबूब के उसवे पर, अपने महबूब के तरीके पर उसे जिंदगी गुजारनी होगी। हर एतबार से, हर मैदान में, हर वक्त में उसे अपने महबूब की तरह इस जिंदगी को गुजार करके दिखाना होगा। इसीलिए मेरे और आपके आका पर अल्लाह ने तमाम हालात गुजारे हैं, अल्लाह ने तमाम औकात गुजारे हैं। मेरे महबूब पर जमाने वो भी आए कि आप अच्छी खासी जिंदगी गुजार करके गए, आप पर गुर्बत के और इसी तरह फकर फाका के भी औकात गुजरे हैं, आप पर बीमारियों के हालात भी गुजरे हैं, आप पर तंदुरुस्तियों के हालात भी गुजरे हैं, आप पर सबर के हालात भी गुजरे हैं, आप पर हजर के हालात भी गुजरे हैं, यहाँ तक के घर के हालात भी गुजरे हैं, मैदान जिहाद के हालात भी गुजरे हैं, पड़ोसियों के हालात भी गुजरे हैं, रिश्तेदारों के हालात भी गुजरे हैं। हर एतबार से मेरे अल्लाह ने हर मैदान के अंदर मेरे आका के औकात को गुजरवाया है, ताकि आने वाली उम्मत को ये सबक हो जाए कि किस वक्त में किस तरीके से इस जिंदगी को गुजारना है। अगर परेशानी के हालात आ जाएं, अगर मुसीबतों के हालात आ जाएं, तो घबराने की जरूरत नहीं, अपने महबूब की मक्की जिंदगी को पढ़ लेना। अगर उससे भी ज्यादा हालात आ जाएं, तो फिर ताइफ की गलियों को जरा महसूस कर लेना। हाँ, अगर खुशहाली के हालात आ जाएं, तो फिर मदीना मुनव्वरा के कुछ लम्हे महबूब के जरा सुन लेना और समझ लेना। यकीनन तुम्हें पूरी जिंदगी के अंदर महबूब के हर सबक से मुझे और आपको सबक सीखने को मिलेगा। इसीलिए तो अपने महबूब को भेजा।
हालांकि जब जब मेरे आका पर परेशानियां आती और आप अपने अल्लाह से शिकायतें रखते, आप अल्लाह से उनका इजहार फरमाते तो फरिश्ता हाजिर हो जाता, ऐ मेरे महबूब मायूस होने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो ये बहार सोने का बना करके आपके बराबर में कर दे, अगर आप चाहें तो आप बड़ी खुशहाली जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन क्या जवाब मिलता था आका को? नहीं मेरे अल्लाह, मैं एक वक्त में खाना खा करके शुक्र की जिंदगी गुजारना चाहता हूँ और दूसरे हालत में भूखा रह करके सब्र की जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। अल्लाह के नेक बंदो, आज मेरे और आपके हालात ऐसे हैं, जरा सी परेशानी आ जाए, जरा सी मुसीबतें आ जाए, मैं और आप शिकायतें और बावेले, मैं और आप लोगों में अपनी शिकायतें करना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि हालात इतने बद से बदतर हो गए कि आज ईमान वाला अपने ईमान को छुपाने की बात करता है, आज ईमान वाला अपने ईमान पर अमल करने में शर्म की बात महसूस करता है और अपने ईमान को अपने इस्लाम को छुपा करके अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश कर रहा है। कौन से हालात ऐसे हैं जो मेरे और आपके आका पर नहीं गुजरे? ऐ मर्दों की जमात, ऐ अल्लाह के बंदों की जमात, तुम्हें तो मजबूत होना चाहिए था ऐसे हालात में अपनी औलादों के लिए, ऐसी हालात में, ऐसे हालात में अपनी मस्तूरात के लिए, ऐसे हालात में कमजोर अल्लाह के बंदों के लिए। हाँ, आज के इन मजदूरों को मजबूत होना चाहिए था और आज के इन मर्दों को बड़ी मजबूती के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए थी। क्या मेरे आका मुझे और आपको हाँ इस जिम्मेदारियों के एहसास दिला करके नहीं गए? अल्लाह के नेक बंदो, अगर हम तुम्हें जिम्मेदार बना दे, अगर हम तुम्हें चाहे घरों का जिम्मेदार बनाए, चाहे महलों का जिम्मेदार बनाए, खानदानों का जिम्मेदार बनाए, ये पूरी आवाम का जिम्मेदार बनाए, तो ये ना समझना कि इस जिंदगी में मुझे और आपको महबूब को सबक दे करके नहीं गए हैं। हाँ, ये महबूब के नक्शे कदम पर चलने वाले मुझे और आपको असबाब सुना करके नहीं गए हैं। जब मेरे आका को मदीनतुल मुनव्वरा की जिम्मेदारी दे दी गई तो आपने किस तरीके से उस जिम्मेदारी को निभाया, कभी अपने उलमा से बैठ करके मालूम करने का वक्त मिला? जब मेरे आका ने अब्दुल्लाह इब्ने उबै के चेहरे पर उसके सर पर सजने वाली दस्तार को मैं और आपके आका ने अपनी जिम्मेदारी में लिया कि मदीने की जिम्मेदारी ये महबूब खुदा पर होगी, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होगी, फिर किस तरीके से जिम्मेदारी को निभाया, यहाँ तक के गरीबों के हालात मालूम किए, कमजोरों के हालात मालूम किए, अल्लाह के नेक बंदो सबसे बड़ा कारनामा मेरे और आपके आका का उस वक्त में है कि जितने सहाबी मक्कतुल मुकर्रमा छोड़ करके मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर आए थे, आपके साथ हिजरत फरमाई थी, आपने उनको बेयारो मददगार नहीं छोड़ा, बल्कि एक तारीख साल फैसला सुनाया, मदीने के भाइयों को खड़ा किया, मक्की भाइयों को उन्हीं के सामने किया और मेरे आका ने ऐलान किया और वो तारीख साज कारनामा तो जिसको दुनिया आज भी सलाम करती है, जिससे मोहब्बत बढ़ती है, जिससे इकोनॉमी बढ़ती है, जिससे कारोबार की तरक्तियां बढ़ती है, वो तारीख साज फैसला मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी ने सुनाया था और कहा था, ऐ मदीने के लोगों, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि जितने लोग मक्कतुल मुकर्रमा से आए हैं मैं इनके और मदीने वालों के दरमियान मुआखात कराऊंगा, एक मक्की भाई होगा, एक मदीने का भाई होगा, ये दोनों भाई आपस में जिंदगी गुजारेंगे, एक घर में जिंदगी गुजारेंगे। हाँ, और मदीने के भाइयों ने उस मोहब्बत का हक अदा कर दिया और ऐसा हक अदा किया कि दुनिया आज भी वो मिसाल पेश करने से आजिज और कासिर है। क्या कहा था मदीने के भाइयों ने? ऐ मक्के से आने वालों, घबराने की जरूरत नहीं, अगर वहां घर के जमीन के टुकड़े छोड़ करके आए हो तो ये जमीन का टुकड़ा मेरा तुम्हारी तरफ से हदिया है, अगर तुम वहां अपनी बीवी
वाले भाई के पास रोटी के दो टुकड़े होंगे, एक मदीने वाला भाई खाएगा, दूसरे टुकड़े को मक्के वाला भाई खाएगा। ये न समझना ये किसका तारीख साज फैसला है, ये मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी का फैसला है। ये किसका फैसला है? इशारा करता है कि मोहब्बतें कायम होंगी इस तरीके से, उल्फत और मोहब्बत कायम होंगी इस तरीके से। मक्के वाला भाई अपने मदीने वाले भाई के कारोबार में हाथ बटाएगा तो मदीने का भाई भी आगे बढ़ेगा और मक्की भाई भी कारोबार के एतबार से आगे बढ़ेगा। ये मेरे और आपके आका का तारीख साज फैसला। आज मेरे और आपके जिम्मेदारों का क्या हाल है? हाँ, आज जोड़ने की बात नहीं करते बल्कि तोड़ करके रखते हैं, ताल्लुकात को तोड़ करके रखते हैं और समझते हैं कि अगर इनके ताल्लुकात आपस में हो गए तो तेरी जिम्मेदारी का क्या होगा। लिहाजा जिस तरीके से भी हो इनके अंदर आपस में नफरतें कायम की जाए। आज मुझे जरा बताओ कौन से गांव का जिम्मेदार है, कौन से कस्बे शहर का जिम्मेदार है, कौन सा बड़ा जिम्मेदार है जिसके दिल के अंदर ये ख्याल रहता है कि मेरी जिम्मेदारी में कोई कतरा ताल्लुक किसी के साथ जिंदगी ना गुजारे, कोई आपस में लड़ झगड़ करके जिंदगी ना गुजारे। ए अल्लाह के नेक बंदो, आओ जरा मेरे और आपके आका की जिंदगी को देखो। सबसे पहले जो मेहनत करके दिखाई है वो आपस में दिलों के जोड़ने की मेहनत करके दिखाई है। ये किन के काम है दिलों को जोड़ना? ये जिम्मेदारों के काम है। ये किन के काम है गरीबों का ख्याल करना? ये किन के काम है कमजोरों के सरों पर हाथ रखना, यतीमों को सीने से लगाना? ये किन के काम है कि बेवाओं की मदद करना, उनकी खिदमत करना? ए अल्लाह के नेक बंदो, ये तमाम काम जिम्मेदारों के हैं। ये कौन जिम्मेदारी निभाएगा कि हमारे गांव के अंदर कितनी तालीम की शरा बनी हुई है और कितनी कमजोर है? कौन इसको आगे बढ़ाएगा, कौन इसको आगे लेकर के चलेगा? अगर अल्लाह ने आपको गांव का जिम्मेदार बनाया है, अगर आपको मस्जिद का जिम्मेदार बनाया है, मदारिस का जिम्मेदार बनाया है, तो आपकी जिम्मेदारी खाली पैसों को गिन करके रखना नहीं है, सिर्फ बजट का हिसाब लगा करके लोगों को बताना नहीं है, बल्कि तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि अल्लाह ने मुझे इस जिम्मेदारी को निभाने का हुक्म दिया है, मैं उसकी सारी कमजोरियों को अपनी जिम्मेदारी में दूर करने वाला हो जाऊं। आज मेरे और आपके जिम्मेदारों को इन चीजों की खबर नहीं। हालांकि क्या फरमाते हैं मुझसे पहले मुफ्ती अकील साहिब भी इस हदीस को पढ़ करके गए, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूल अन रईयतिही, हर जिम्मेदार से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा, तूने अपनी जिम्मेदारी को कहां तक निभाया। वो बच्चों की तरबियत के ताल्लुक से गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन जरा और इन बात को आगे बढ़ाता चलो, हजरत की बात को और आगे लेकर के चलो। ए अल्लाह के नेक बंदो, खाली बच्चों की तरबियत का मामला नहीं, बल्कि आओ जरा हजरत अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी को देखो। आप खलीफतुल मुस्लिमीन बना दिए गए, आप खलीफतुल मोमिनीन बना दिए गए, और एक तरीका तय हो गया कि जरा देखो अबू बकर की खिलाफत के अंदर कितनी बेवाएं ऐसी हैं जिनकी खिदमत करने वाला कोई नहीं, जिनका हाथ बटाने वाला कोई नहीं, जिनके सरों पर सहारा कोई नहीं, हाँ जिनके हालात को मालूम करने वाला कोई नहीं। चुनांचे सहाबा की जिम्मेदारी लगाई, ऐ अल्लाह के नबी के सहाबा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारी इस खिलाफत में दौर में जितनी बेवाएं औरतें हैं तमाम औरतों की खिदमत के लिए एक एक सहाबी को मुतय्यन किया जाए, सहाबी की जिम्मेदारी लगाई जाए। चुनांचे सहाबा की जिम्मेदारी, हजरत उमर इब्ने खत्ताब के दिल के अंदर ये बात आई, मैं भी तो जरा देखूं, मैं भी तो जरा देखूं कौन सहाबी किन की जिम्मेदारी उठाए हुए हैं,
हजरत उमर किन खातून की जिम्मेदारी उठाएगा, किस बेवा की जिम्मेदारी उठाएगा। चुनाचे लिस्ट पर नजर पड़ती है, एक बूढ़ी अम्मा पर नजर पड़ती है, सामने खिदमत गुजार का नाम है नहीं। हजरत उमर रात के अंधेरे में उस औरत के घर पर पहुंचते हैं, कुंडी खटखटाते हैं और मालूम करते हैं। उलमा लिखते फजर की नमाज के बाद आप उस औरत के दरवाजे पर जाते हैं, कुंडी खटखटाते हैं और खटखटाते ही मालूम करते हैं, अम्मा अम्मा तेरा खादिम हाजिर हुआ है, तेरी खिदमत के लिए हाजिर हुआ है। अगर पानी की जरूरत हो तो हुक्म कीजिए, अगर दुकान से सामान लाने की जरूरत हो तो हुक्म कीजिए, अम्मा अगर घर के सफाई की जरूरत है तो हुक्म कीजिए, बर्तनों को मांझने की जरूरत है तो ये तुम्हारा नौकर तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, अम्मा जरा हुक्म कीजिए। ओ अल्लाह के नेक बंदो जरा गौर तो करो, आज तो मैं और आप खादिम नहीं मखदूम बनना चाहते हैं, खिदमत नहीं बल्कि दूसरों से खिदमत लेना चाहते हैं। हजरत उमर इब्ने खत्ताब से उन औरत ने कहा, ओ अल्लाह के बंदे वापस लौट जाओ, मेरी तो खिदमत करके कोई अल्लाह का नेक बंदा जा चुका है, अम्मा कौन है? कहा के मालूम नहीं कौन है, रात के अंधेरे में आता है, घर की साफ सफाई करता है, बर्तनों को साफ रखता है, अगर घर के अंदर पानी नहीं होता ला करके देता है, यहाँ तक के पूरे दिन के सारे साजो सामान मेरे तैयार करके चला जाता है, कौन है मैं नहीं जानती। हजरत उमर वापस चले गए हैं, आने वाले दिन में आप और जरा पहले पहुंचे हैं, दरवाजा खटखटाया है, कुंडी खटखटाई है, अम्मा शायद कोई खिदमत लेना चाहो तो ले सकती हो, कहते हो अल्लाह के बंदे तुझसे पहले ही मेरी कोई खिदमत करके जा चुका है, कोई मेरी खिदमत के तमाम काम करके जा चुका है, कौन है वो अल्लाह का बंदा। हजरत उमर इब्ने खत्ताब तीसरे दिन अंधेरे में छुप करके खड़े हो जाते हैं, जरा मैं भी तो देखूं कौन है, कौन है अम्मा की खिदमत करने वाला। अल्लाह की कसम जब देखा तो अपनी आंखों को भिगो लाए, क्योंकि अम्मा की खिदमत करने वाला कोई और नहीं, वक्त का अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। आज मुझे और आपको क्या हो गया, कौन निभाएगा इन गरीबों की जिम्मेदारियां। आज मैं और आप ये शोर मचाते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी कमजोर हो रही है, कौन इनको ताकत देगा। आज हम ये कहते हैं गरीबी की शराब बढ़ रही है, कौन इनकी जिम्मेदारी को निभाएगा। आज मैं और आप जरा सा जिम्मेदार बन जाए, बन जाए तो गरीब कौम तक कोई चीज जाने के लिए तैयार नहीं है, उनकी खिदमत के लिए कोई चीज जाने के लिए तैयार नहीं है। पहले अपने को घर भर जाए, पहले अपने आप को आप सैराब हो जाए, तभी तो अल्लाह के नेक बंदो गरीबों का नंबर आएगा। लेकिन कोई जिम्मेदार इस जमीन पर मुझे और आपको ऐसा नजर नहीं आता जो गरीबों की गरीबी का ख्याल करने वाला हो। अल्लाह के नेक बंदो, आज मैं और आप ये शिकायत करते हुए नजर आते हैं कि हमारे मासूम तलबा, खासतौर से हमारे गरीब तलबा, आज बड़ी तेजी के साथ तालीम के एतबार से पीछे हट रहे हैं, तालीम के एतबार से पीछे रह रहे हैं। अल्लाह के नेक बंदे, कभी मैंने और आपने बैठ करके गौर किया, कभी मैंने और आपने बैठ करके फैसले लिए कि जरा वजह तो मालूम करें क्या है। आज हमारी औलादों में, आज हमारे गरीब मासूम बच्चों में बड़े बड़े होशियार नजर आएंगे, बड़े बड़े अकलमंद नजर आएंगे, लेकिन वो मासूम बच्चे वो अपनी तालीम और तरबियत का ख्याल नहीं कर सकते, क्योंकि उनके वालिद के पास इतनी ताकत नहीं है, उनके भाइयों के पास इतनी ताकत नहीं है, घर के अंदर इतना बैंक बैलेंस नहीं है कि वो अच्छे स्कूलों के अंदर अपनी तालीम हासिल कर सके। कौन करेगा उनका ख्याल? ऐ स्कूलों के जिम्मेदारों, ऐ मदारिस के जिम्मेदारों, ऐ मस्जिदों के मुतवल्लियों और सदर सेक्रेटरियों, मैं तुमसे गुफ्तगू करने लगा हूं। ये मस्जिदें खाली नमाज के लिए
करने के लिए नहीं है। जरा हम गौर करें, जरा हम गौर करें, कौन है इन औलादों की तालीम और तरबियत का ख्याल करने वाला, कौन इन्हें आगे बढ़ाएगा। बाप के अंदर तो इतनी ताकत नहीं है, माँ के अंदर तो इतनी ताकत नहीं है। बास घरों के हालात तो ये है कि अगर औलाद जरा सी बड़ी हो जाए तो माँ बाप को 200-400 रुपए का लालच होने लगता है और वो उसको मदरसे स्कूल से हटाकर किसी न किसी दुकान कारखाने में वहां जरा सी देर के लिए नौकर बनाकर के भेज देते हैं। कौन है इन चीजों का ख्याल करने वाला। आज मैं और आप बड़ी चीजों पर मेहनत करते हैं। हमारे जलसे जुलूसों की कमेटी बनी हुई है, बहुत बड़ी मुबारकबाद है। मस्जिदों मदरसों की कमेटियां बनी हुई है, काबिले मुबारकबाद है। लेकिन अल्लाह के नेक बंदे, इससे आगे बढ़ कर के भी तो तुझे सोचना है, इससे आगे चल कर के भी तो तुझे सोचना है। क्यों ना मैं औला अपनी तमाम मस्जिदों के अंदर, अपने मदरसों के अंदर, क्यों ना मैं औला तालीमी शरा को आगे बढ़ाए, क्यों ना गरीब बच्चों को पकड़ करके लाए, उनकी माओ की खुशामद करें, उनके बाप की खुशामद करें, उनके बाप से कहें, ओ अल्लाह के बंदे, अगर तू चाहता है तेरा बुढ़ापा सुकून से गुजर जाए, अगर तू ये चाहता है ये तेरी औलाद तेरे बुढ़ापे का सहारा हो जाए, अल्लाह की कसम इसे मजदूर मत बनो, हाँ इसे किसी का नौकर न बनो, 200-400 के लालच में आकर इसकी जिंदगी को बर्बाद न कर, बल्कि इस बच्चे को हमें दे दे, हम इसको मस्जिद के अंदर तालीम देंगे या मदरसे के अंदर तालीम देंगे, तुझे इसके बीज, इसके कोर्स, इसके ड्रेस और इसकी तालीम के जितने भी खराजात हैं तुझे उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी मस्जिद में ऐसा निजाम बना रखा है जो हमारे गरीब तलबा के लिए काफी होगा। क्या ऐसा निजाम मैं और आप नहीं बना सकते? क्या उस बाप को नहीं समझा सकते, कल जब ये 2 रुपए कमाने वाला होगा तुझे घर से धक्के निकाल करके भगाएगा? क्या उस बाप को नहीं समझा सकते, अगर तूने इस औलाद को जाहिल रखा, हाँ जैसे इसका निकाह होगा सबसे पहले तुझे छोड़ करके जाएगा, सबसे पहले अपनी माँ से कतई ताल्लुक तोड़ करके जाएगा? क्या तूने अपने इस तरीके से नाराज अपने भाइयों को और अपनी औलादों के बापों को समझाए कि तुम इस तरीके से अपनी औलाद के साथ दुश्मनी न दिखाओ बल्कि मोहब्बत के साथ पेश आओ? लेकिन ये कब होगा? जब हमारी मस्जिदों का निजाम तालीमी होगा, गरीबों के लिए फ्री होगा, कमजोरों के लिए फ्री होगा। और अल्लाह के नेक बंदो, आज हमारे स्कूल नहीं, ऐसा लगता है जैसे हमारी दुकानें खुली हुई हैं, हमारे कारखाने खुले हुए हैं। यहाँ तक कि अगर हम मस्जिदों मदरसों में फ्री में तालीम करना चाहें तो बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते। ये मस्जिदें अगर हम चाहें तो तालीम का गहवारा हो सकती हैं, इन मासूम गरीब तलबा की आगोश हो सकती हैं। अगर मैं और आप चाहें, ये मस्जिदों का निजाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे और आपको इतना खूबसूरत अता फरमाया है। खुद मेरे और आपके आका के जमाने में सहाबा इसी मस्जिद में फैसले भी सुना करते हैं, नमाज भी पढ़ा करते हैं, जिक्र भी करा करते हैं, तालीम के हलके भी लगे हुए हैं। लेकिन अल्लाह के नेक बंदे, कभी अपने उलमा से मालूम किया कि उसी मस्जिद के अंदर मेरे आका ख्वाबों की ताबीर भी बतला रहे हैं, उसी मस्जिद की पिलर से टेक लगाकर अपने सहाबा की जरूरतें भी सुन रहे हैं और उन जरूरतों का जैसी अल्लाह ने ताकत दी है, हाँ उनके हाल भी उनको बतला रहे हैं। उन्हीं मस्जिदों के अंदर मैदान जिहाद की और दीन के दुश्मनों से लड़ने की तैयारियां भी हो रही हैं, हाँ उन्हीं मस्जिदों के मैदानों में, उन्हीं मस्जिदों के सहन में घुड़सवारी सिखाई जा रही है और तीरंदाजी सिखाई जा रही है। आप जरा किताबों का मुताला तो करें, हर चीज की जरूरत को मेरे महबूब ने मस्जिदों से पूरा करके दिखाया है। आज हमारी मस्जिद में कोई गरीब आ जाए, वो ऐलान तो कर सकता है, वो अपनी जरूरत को मुक्तदियों के सामने रख सकता है, लेकिन हमारी मस्जिदों के पास कोई ऐसा
रहे हैं, अगर चाहे तो जिस जगह मस्जिद है उस जगह पर हम अपने गरीबों का ख्याल कर सकते हैं, लेकिन नहीं ख्याल किया जाता, नहीं ख्याल किया जाता। हाँ मुझे बतलाओ, आज हमारी कौन सी ऐसी मस्जिद है जहाँ भूखों को खाना खिलाया जा रहा हो, जहाँ प्यासों को पानी पिलाया जा रहा हो, जहाँ बहनाओं को कपड़े पहनाए जा रहे हो। ए अल्लाह के नेक बंदो, मुझे बतलाओ, जहाँ कमजोर गरीबों को फ्री में इलाज कराया जा रहा हो, जहाँ गरीब बच्चियों की शादियां कराई जा रही हो, आज ये सिस्टम क्यों खत्म हो गया? किसने समझा? अल्लाह के दीवानों, ये नबी का तरीका था, ये मेरे महबूब का तरीका था। जब जब कोई जरूरतमंद परेशान हो जाता, सीधा मस्जिद में आकर के अल्लाह के नबी के सामने सवाल करता, मेरे आका मस्जिद के जरिए से ही उसके सवाल को पूरा कर दिया करते थे। लेकिन आज हमारी मसाजिद का क्या हाल है? हमने समझा कि सिर्फ मसाजिद है नमाज पढ़ने के लिए है, सिर्फ जिक्र अज़कार और कुरान की तालीम के लिए है। नहीं नहीं, अल्लाह के नेक बंदे, ये मस्जिद मुसलमान तो मुसलमान, जो गैर ईमान वाला भी हो, अल्लाह से अगर दुआ करके मेहनत करे तो अल्लाह उनकी जरूरतें भी हमारी मसाजिद से पूरी करा सकता है। लेकिन इस वक्त में सारी बातों पर तो पाबंदी नहीं हो सकती, लेकिन इस वक्त में मेरे भाई, मैं और आप अपनी औलादों की, खासतौर से गरीब औलादों की, खासतौर से कमजोर इन मासूम तलबा की, मैं और आप तालीम का ख्याल जरूर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जिम्मेदारों को, इसके लिए जो हमारी मस्जिद के मुतवल्लियान हैं, जो हमारी मस्जिद के सेक्रेटरी हैं, उनको अपने दिलों को बड़ा करना पड़ेगा। आप जरा एक कदम तो उठाए, फिर देखो अल्लाह तुम्हारी कैसे मदद कर सकता है और कैसे मदद करता है। जब काम बढ़ता है तो मैं अल्लाह फिर अपनी रहमतें और बरकतें भी उतारता है। ए अल्लाह के नेक बंदो, मेरी आपसे गुजारिश सिर्फ इतनी है कि हम अपनी मस्जिद के जरिए से अपने गरीब तलबा की तालीम का ख्याल करें, अपने कमजोर तलबा की तालीम का ख्याल करें। होना तो ये चाहिए कि हमारी मस्जिद से मुत्तसिल कोई मदरसा ऐसा हो जिसमें प्राइमरी भी हो, जिसमें कुरान के हिफ्ज की तालीम भी हो, हाँ जिसमें दीन और दुनिया दोनों को मखलूक किया गया हो, दीन और दुनिया दोनों की तालीम को बढ़ाया गया हो। और ऐसा करना मुश्किल नहीं है। आज मेरी और आपकी औलादें इतनी ज़हीन हो रही हैं, इतनी ज़हीन हो रही हैं, अगर मैं कसम उठा करके कहूँ, यही औलादें अगर जरा सा इनको रास्ता मिल जाए तो यही औलादें कुरान का हिफ्ज कर सकती हैं, यही औलादें ना दसवीं भी कर सकती हैं, अपने हिफ्ज के साथ साथ ये औलादें आलिम भी बन सकती हैं, अपने इल्म के साथ साथ ये औलादें डॉक्टर भी बन सकती हैं, इंजीनियर भी बन सकती हैं, क्योंकि जो जहन पहले थे उससे कहीं ज्यादा तेज जहन आज के जमाने में हमारी औलादों के देखने में आ रहे हैं। नहीं आता तो आप सोशल मीडिया पर देखें, मोबाइलों के जरिए से देखें, दरा दरा से मासूम बच्चे किस तरीके से गाना गा रहे हैं, दरा दरा से मासूम बच्चे अपने नाचने और डांस के जरिए से बड़ों को ताज्जुब में डाल रहे हैं। दरा उनकी हरकतें देखें कि बड़े आदमी अपनी उंगलियों को उनकी सलाहियत को देख करके अपने दांतों के नीचे दबा लेते हैं कि इतनी कम उम्र के अंदर इसके अंदर कहां से ये सलाहियतें पैदा हुई हैं। ऐ अल्लाह के नेक बंदे, वही सलाहियत मेरी इन औलादों के अंदर भी मौजूद है, वही सलाहियत मेरे इन मासूम बच्चों के अंदर भी मौजूद है, लेकिन हमें उस सलाहियत को अल्लाह की नफरत के लिए नहीं, अल्लाह के गुस्से के लिए नहीं, बल्कि इन औलादों की सलाहियत को हमें अल्लाह की मोहब्बत की तरफ लेकर के आना है। अगर आवाज अच्छी है तो कुरान बड़ा खूबसूरत पढ़ने वाला हो, अगर आवाज अच्छी है तो नाते नबी बड़ी अच्छी गुनगुनाने वाला हो। अल्लाह के नेक बंदो, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने होशियारी दी है तो कम उम्र में कुरान का हिफ्ज करने वाला हो, कम उम्र में क्लासों को अबोर करने वाला हो, कम उम्र में डॉक्टर इंजीनियर बन करके अपने आप को हाफिज़े कुरान और आलिमे दीन में शुमार कराने वाला हो। लेकिन ये सब काम करेगा कौन? ये सब काम जिम्मे किसके हैं? ये सब काम मेरे और आपके जो जिम्मेदार बने हुए हैं
उन लोगों को तन्हाई के अंदर सोचना है कि किस तरीके से हम इन कामों को लेकर के आगे बढ़ें और इन मासूम तलबा की हम होशियारी को आगे बढ़ाएं। इसलिए अल्लाह के नेक बंदों, मेरी और आपकी जिम्मेदारी कि मैं और आप अपनी जिम्मेदारियों का दायरा दरासा बढ़ा दें। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें कि जिम्मेदारियों के दायरे बढ़ जाएं। ये उलमा की जमात जो बैठी हुई है, ये मेहनत कर सकती है, मेहनत करके दिखा सकती है, लेकिन इन उलमा के हाथ और पैर आप हैं, इन उलमा की ताकत आप हैं, इन उलमा के हौसले बढ़ाने का दरिया आप हैं, इन उलमा के दरिये से अगर काम लेना है लेकिन हिम्मत बढ़ाने का काम आपका है। इसलिए अल्लाह के नेक बंदो, अगर हम ये चाहें कि हमारी औलादें कामयाबी की तरफ चले बढ़े, तो हमारे जिम्मेदारों को चाहिए कि अपने जरफ को और बड़ा कर ले और अपनी जिम्मेदारियों के एहसास को बढ़ा करके काम करें। करेंगे ना इंशाल्लाह। अपनी मस्जिदों से कमजोरों का ख्याल करेंगे, गरीबों का ख्याल करेंगे, अपनी मस्जिदों से जो भी जरूरतमंद होगा उसकी जरूरत को पूरा करेंगे। खास तौर से अपने गांव को भी छोड़ दीजिए, जहां पर मस्जिद बनी हुई है उस महल्ले के तमाम घरों की फहरिस्त तैयार करें और उस फहरिस्त में उन घरों से कमजोर और गरीब बच्चों के नाम लें और उनकी होशियारी देखें, उनके जहन को तोड़ें। अगर कोई हिफ्ज की तरफ ज्यादा रागिब है, अच्छे तरीके से आयतों को याद कर लेता है, तो उसे हिफ्ज की तरफ लेकर के जाए, खर्चा आप उठाएं। इसी तरीके से दूसरा बच्चा, उसकी होशियारी दुनिया की तरफ है, डॉक्टर और इंजीनियरिंग की तरफ है, कुरान नाजरा कराए, कुरान को देख करके पढ़ने वाला हो, हराम और हलाल को पहचानने वाला हो, और इसी तरीके से पढ़ाई और वाजिबात को समझने वाला हो, उसी के साथ साथ उसी को वहीं रोक दिया जाए और फिर उसे डॉक्टरी की तरफ लेकर के जाया जाए, उसे इंजीनियरिंग की तरफ लेकर के जाया जाए और बिल्कुल फ्री में इंतजाम किए जाए। ये कौन करेगा इन तमाम कामों को? कोई और नहीं, हमारे महलों की जो मस्जिदें हैं और जो मस्जिदों के जिम्मेदार हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इन मासूम बच्चों की आने वाले वक्त का ख्याल करें। करेंगे ना भाई इंशाल्लाह। याद रखो, एक 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 मैं एक दर्द अपना अक्सर जगह बयान करता हूं, और अल्लाह के नेक बंदो, आने वाला वक्त मजदूरी का नहीं है, आने वाला वक्त मजदूरी का नहीं है। अब तक तो मेरे और आपके काम चल रहे थे कि मजदूरी करके आ गए, घर को चला लिया, पेट पाल लिया, लेकिन आने वाला वक्त मजदूरी का नहीं है। अब मजदूर भी पढ़ा लिखा चाहिए, अब मजदूर भी क्वालिफिकेशन वाला चाहिए। ए अल्लाह के नेक बंदे, अब जाहिल मजदूर इस जमीन पर बोझ समझा जाएगा या लोग उससे काम लेंगे और उसकी मेहनत मजदूरी अदा नहीं करेंगे? क्या आप नहीं देख रहे कि जिस काम को एक घने सारे मजदूर मिलकर के किया करते थे और कई दिन उस काम के अंदर लग जाया करते थे, अब एक मशीन आती है और मिनटों में उस काम को करके चली जाती है। बेचारा मजदूर खा हुआ सो रहा है, खा हुआ रो रहा है। आने वाला वक्त मजदूरी का नहीं है। एक वक्त था जब हम सिक्कों को हाथों से पहचान लिया करते थे, अंधेरे में पहचान लिया करते थे, ये कितने का नोट है, ये कितने का सिक्का है, लेकिन आप देख रहे हैं सिक्के अब मैं और आप नहीं पहचान सकते, नोट मैं और आप नहीं पहचान सकते, और अगर अल्लाह ने ज्यादा अकल दी है पहचान सकता है, लेकिन अब जो अपने पैसों को ट्रांसफर करने का जो जमाना तेजी के साथ बढ़ रहा है, क्या इसको बगैर पढ़े कर सकता है? क्या इसको बगैर पढ़े आगे बढ़ा सकता है? आने वाला वक्त मजदूरी का नहीं है। मैंने और आपने तो अपनी काटली जैसे काटनी थी, लेकिन इन औलादों का वक्त बड़ा मजबूत और खतरनाक आने वाला है। अब तक तो मैं और आप रास्तों के किनारों पर ठेले लगा लिया करते थे, रास्तों के किनारों पर ठेले लगा लिया करते थे, कोई हमें रोकने और टोकने वाला ना होता था, कोई हमारी दुकानों को भगाने वाला और मुझे और आपको वहां से भगाने वाला ना होता था। क्या आप नहीं देख रहे कि कितनी तेजी के साथ हमारे गरीब लोगों के ठियों को एक तरफ बढ़ाया और भगाया जा रहा है?
याद रखना जितनी ठीक वगैरह लग रहे हैं ये सब इंतजामिया की नरमी की वजह से लगे हुए हैं, वरना कानून ये है कि आप सड़क के किनारे दुकान नहीं लगा सकते, आप सड़क के किनारे अपने ठिए नहीं जमा सकते। ओ अल्लाह के नेक बंदो, आने वाला वक्त मजदूरी का नहीं है। सबसे ज्यादा मुसलमान अगर मुझे और आपको नजर आता है मजदूरी करता हुआ, मेहनत करता हुआ, इससे आगे चलकर के रिक्शे चलाता हुआ, टेम्पो चलाता हुआ, आज जमीने मुसलमानों की खत्म होती जा रही है, आज जमीने मुसलमानों की कम होती जा रही है। जानता है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है? तीन चीजों के अंदर सबसे ज्यादा मुसलमान अपने पैसे को बर्बाद कर रहा है। अगर किसी को कमी लगे तो माफ करना, तीन चीजों में मुसलमान अपने पैसों को बर्बाद कर रहा है। और याद रखना, वहां पर बर्बाद हुआ पैसा वापस आने वाला नहीं है। पहला यह कि मुसलमान अपने मकानों में सबसे ज्यादा पैसा बर्बाद कर रहा है, मकानों को खूबसूरत करने में लगा हुआ है। पड़ोसी से किस तरीके से अच्छा मेरा मकान हो जाए, रिश्तेदारों में कैसे मेरी बाबा हो जाए, मकान जरा अच्छा कर लो तो बेटे का रिश्ता बड़ी महंगी जगह हो जाए। ए अल्लाह के नेक बंदो, आज हमारा सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी चीज में बर्बाद हो रहा है तो पहले नंबर पर मकान है। करोड़ों का मकान लेकिन कारोबार हजारों का भी नहीं, लाखों का मकान, कारोबार के लिए वही रिक्शा, कारोबार के लिए वही मेरी और आपकी मजदूरी, सुबह को जाना शाम को कमा करके आना, वही ये चीज है। अल्लाह के नेक बंदे, कहां अपने पैसे को बर्बाद करने लगा? कभी बनिए की तरफ नजर दौड़ाई? कभी बनिए को बैठ करके देखा क्यों इस जमीन का सबसे बड़ा मालदार बना हुआ है, क्यों मेरे और आपके वतन का सबसे बड़ा मालदार बना हुआ है? याद रखना, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है, 50-50 करोड़ रुपए उसने कारोबार में लगा रखे हैं और अपना मकान वो किराए का रखता है, अपना मकान वो किराए का रखता है। हमने मालूम किया ये क्या है? अब तक हम भी खुशफहमी में थे कि जब पैसा है तो मकान क्यों नहीं है, जब पैसा है तो मकान खूबसूरत क्यों नहीं है। उस बनिए का जवाब ये था, हजरत मकान खाने के लिए नहीं देता, मकान खाने के लिए नहीं देता, हम इतना पैसा अगर मकान में बॉन्ड करेंगे तो फिर हम कमाएंगे कहां से, हम तिजारत कहां से करेंगे, हम कारोबार कहां से करेंगे। आज मुसलमान के पास जरा सा पैसा आ जाए, सबसे पहले अपने मकान पर सबसे ज्यादा फजूलिया खर्च करता है। घर के अंदर रहने वाले तीन आदमी हैं, मकान में कमरे कितने? 15 हैं। बेचारी औरत भी नहीं चाहती, हफ्तों हो जाते हैं कमरों की सफाई किए हुए, हफ्तों हो जाते हैं, क्यों नहीं सफाई की इसकी? कोई रहता ही नहीं है, कोई जाता ही नहीं है, कोई पहुंचता ही नहीं है। ए अल्लाह के नेक बंदे, कभी गौर किया क्या जरूरत है इतने सारे मकान की, इतने बड़े मकान की, इतने ज्यादा कमरों की क्या जरूरत है? सिर्फ जरूरत के लिए मकान रखिए, बाकी पैसा अपने कारोबार के अंदर लगाइए, बाकी पैसा अपनी तिजारत के अंदर लगाइए, बाकी पैसा अपनी औलाद की तालीम पर लगाइए और आगे बढ़िए। अल्लाह के नेक बंदे, सबसे ज्यादा मेरा और आपका पैसा मकानों के अंदर बर्बाद हो रहा है जो कभी वापस आने वाला नहीं है। जिस मकान पर आज मैंने और आपने लाखों उसकी कली में लगाए, हाँ उसकी और खूबसूरती के अंदर लगाए, याद रखना 2-4 साल के बाद खत्म होने वाला है। 2-4 साल के बाद ये कली छुट करके जमीन पर गिरने वाली है, ये लाइटें कुछ ही दिन के बाद खराब होने वाली है, ये बिल्डिंग कुछ ही दिन के बाद बोसीदा नजर आने वाली है। और इत्तेफाक से अगर घर के सामने रास्ता बनने के लिए आ गया तो यही लाखों का मकान रास्ते से नीचे भी जाने वाला है। करोड़ों रुपए मकान में लगा करके खुश होता है, वापस नहीं आएगा ये पैसा। इससे आगे बढ़िए, दूसरी खतरनाक जगह, मुसलमान कहां पैसा बर्बाद कर रहा है? मुझे कहने दीजिए, अल्लाह के नेक बंदे, बिया और शादियों में, निकाहों के नाम पर सबसे ज्यादा मुसलमान अपना पैसा बर्बाद कर रहा है। हाँ, आज कौन सी ऐसी फजूल खर्ची है जो हमारी शादियों
राजी हो जाए। बड़ी बड़ी महंगियां शादियों के अंदर दी जा रही है ताकि नाक ऊंची हो जाए। कर्जा लेकर के हजारों लोगों को खाने खिलाए जा रहे हैं सिर्फ नाक ऊंची हो जाए। ए अल्लाह के नेक बंदे, याद रखना ये निकाह के अंदर पैसा लगाया हुआ वापस आने वाला नहीं है, वापस आने वाला नहीं है। मैंने न जाने कितने लोगों से मुलाकात की है जो वक्त से पहले बूढ़े हो गए, वक्त से पहले बीमारी में पड़ गए, और हमने मालूम किया वजह क्या है। हजरत टेंशन है, टेंशन किस चीज की है। हजरत बच्ची की शादी की थी, कर्जे में डूब गया हूँ और जब से उस कर्जे से निकलने का नाम नहीं ले रहा हूँ। उस वक्त से इस कर्जे से निकलने का किसने कहा था तुझे इतना खर्च करने के लिए, क्यों किया तूने इतना खर्च। जमीन बेच करके खर्च करता है, सूद ले करके खर्च करता है, चीजें बेच करके खर्च करता है, चीजें गिरवी रख करके खर्च करता है। अल्लाह की कसम ये निकाहों के अंदर खर्च होने वाला पैसा वापस आने वाला नहीं है। याद रखना कितना ज्यादा बर्बाद कर लेना, ये वापस आने वाला नहीं है। इस मकान को और इस निकाह को मेरे महबूब ने जितना आसान करने के लिए कहा था उतना ही मैंने और आपने मुश्किल कर लिया, उतना ही मैंने और आपने मुश्किल कर लिया। क्या आपने नहीं देखा मेरे और आपके आका को, आका को छोड़िए मेरे और आपके आका के सहाबा को। आओ तुम्हें ऐसे सहाबी की तरफ लेकर के चलूं, हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह। मेरे और आपके आका के चहेते सहाबी, उम्मत के अमीन हैं। हजरत उमर इब्न खत्ताब के दौर में आपको गवर्नर बना दिया गया है। एक दफा खामोशी के साथ हजरत उमर हजरत अबू उबैदा से मिलने के लिए गए थे और जाकर के कहा था अबू उबैदा कि मुझे अपने घर लेकर के नहीं जाओगे, कि मुझे अपने उस घर में जहां तुम आराम करते हो, जहां तुम खाना खाते हो, वहां लेकर के नहीं जाओगे। तो हजरत अबू उबैदा ने कहा था अमीरुल मोमिनीन आप मेरे घर को न देखें वरना आपको आंखें निचोड़ने के सिवा कुछ न मिलेगा, आंखें निचोड़ने के सिवा तुम्हें कुछ न मिलेगा। हजरत उमर ने जिद की थी, ए अबू उबैदा तुम्हें मुझे अपने घर लेकर के जाना होगा। हजरत उमर को लेकर के गए यहाँ तक के जिस शहर के आप गवर्नर हैं गलियां खत्म हो गई, मकान खत्म हो गए। हजरत उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं कि जब जब कोई खूबसूरत सा मकान आता मेरे दिल के अंदर ख्याल आता कि ये अबू उबैदा का मकान होगा, ये यहाँ के गवर्नर का मकान होगा। लेकिन जैसे ही हम आबादी से निकल गए, जैसे हम गलियों से निकल गए, तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब फरमाते हैं हम आबादी से बाहर निकल गए और एक जंगल की तरफ चले हैं। हजरत उमर फरमाते हैं मैंने देखा कि एक टूटी सी झोपड़ी बनी हुई है। हजरत अबू उबैदा फरमाने लगे अमीरुल मोमिनीन आप बाहर तशरीफ रखिए, मैं अभी अंदर से आपको आवाज दूंगा। आप पर्दा हटाते हैं, अपनी झोपड़ी के अंदर जाते हैं और साफ सफाई करके आप हजरत उमर को आवाज लगाते हैं अमीरुल मोमिनीन अंदर तशरीफ ले आइए। जैसे घर का वो पर्दा देखा, वो झोपड़ी का पर्दा देखा, हजरत उमर की आंखों में आंसू थे और आप अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रहे थे। जब जरा सी देर हो गई थी तो हजरत उमर ने फरमाया था ऐ अबू उबैदा क्या मेहमान के लिए, मेहमान नवाजी के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है, क्या दस्तरखान के लिए कुछ नहीं है। तो हजरत अबू उबैदा आपने देखा होगा कि छप्परों में जो बांस होते हैं हमारे बड़े बूढ़े उन्हीं बांसों के पीछे कुछ न कुछ रख दिया करते हैं, अपनी कीमती चीजें रख लिया करते थे। हजरत अबू उबैदा ने अपने छप्पर में हाथ दिया और इतना बड़ा कासा निकाल करके लाए जिसमें पानी रखा हुआ है और जिसमें रोटी के टुकड़े भीग रहे हैं, हजरत उमर के सामने रख दिए। उमर ये मेरी रोटी है, ये मेरा खाना है। ऐ हजरत उमर इब्ने खत्ताब मैं एक अम्मा को कहता हूँ अम्मा मेरे 8 दिन का खाना बना देना, मेरी 8 दिन की रोटी बना देना। ऐ हजरत उमर जब तक वो रोटियां मुलाम रहती हैं, नम रहती हैं, मैं उनको खाता हूँ, और जब वो दरासी सूख जाती हैं
तो मैं उनको पानी में भिगो करके अपने फैसले के मैदान में पहुंच जाता हूं। जब वहां से फारिग होता हूं तो रात में आकर देखता हूं ये रोटियां पानी में मेरे खाने के लायक हो जाती हैं। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, लेकिन मुसलमानों, जितना बड़ा जिम्मेदार उतना ही महंगा घर है, जितना बड़ा जिम्मेदार उतना ही खूबसूरत घर है। क्यों मकानों पर पैसे बर्बाद करते हो, क्यों निकाहों पर पैसे बर्बाद करते हो? अगर आपको खर्च करना ही है, अगर आपको खर्च करना ही है तो अपनी बेटियों को, अपने दामादों को विरासत के अंदर हिस्सा दीजिए जितना उनका हिस्सा बनता है। अगर अल्लाह को वाकई में राजी करना है तो जो तेरे बेटे के हिस्से में जमीन आ रही है उसकी आधी अपनी बेटी को दीजिए। जितना माल, जितना पैसा तेरे बेटे के हिस्से में आ रहा है उतनी अपनी बेटी को दीजिए। कोई मना नहीं करता बेटियों पर खर्च करने के लिए, लेकिन जो तू बड़ी बड़ी दावतों में उड़ा रहा है वो किस काम का? ना बेटी के काम का, ना दामाद के काम का। जो बड़े बड़े मंडप खरीद रहे, जो बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां दे रहे, ना वो बेटी के काम की ना दामाद के काम की। हमने तो ऐसा भी देखा है कि जो दामाद को गाड़ी दी जाती है, जब कुछ खर्च चलाने के लिए नहीं मिलता तो दामाद उसी गाड़ी को सवारियों के लिए चला करके अपना पेट भर रहा होता है। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, ये दूसरी जगह है जहां मुसलमान अपना पैसा बर्बाद ऐसी जगह करता है जहां से वापस आने वाला नहीं। एक और चीज उलमा नजर रखे हुए हैं, रसूल जी आखिरी गुफ्तगू करने लगा। एक और चीज उलमा जिस पर नजर रखे हुए हैं, मेरा और आपका सबसे ज्यादा पैसा लड़ाई और झगड़ों के अंदर बर्बाद हो रहा है, लड़ने और झगड़ने के अंदर बर्बाद हो रहा है। यहाँ तक के अगर हम किसी को धमकी भी देते हैं तो कहते हैं 2 लाख 3 लाख तेरे नाम के भी सही, 2-3 बीघे जमीन तेरे नाम की भी सही, हाँ लेकिन तुझे छोड़ूंगा नहीं, लेकिन तुझे तुझे सजा दिए बगैर, तुझे बर्बाद किए बगैर मैं पीछे नहीं हटूंगा। आज मुसलमान सबसे ज्यादा पैसा कोर्ट में, कचहरी में, थाने में और चौकियों में कहां बर्बाद कर रहा है? थानों में बर्बाद है, कचहरियों में बर्बाद है, हाँ चौकियों में बर्बाद है। मुझे कहने दीजिए अल्लाह की कसम, आज बड़े बड़े इंतजामिया के लोग मुसलमानों के बीच में जहाँ चौकियां थाने बने हुए हैं वहां आने की सिफारिश करते हैं। मुझे शहर में नहीं बल्कि बुला गांव की चौकी पर बिठा दीजिए, रिश्वतें भी दे रहे हैं। क्या वजह है कि मुसलमान पैसों के अंदर, मुसलमान पैसा बड़ा लेकर के आता है थानों में और कचहरियों में। 70% केस मुसलमानों के आज कचहरियों के अंदर लड़ाई और झगड़ों के हैं, और लड़ाई और झगड़े भी ज्यादा दूर नहीं, एक गांव के दूसरे गांव में नहीं, नहीं चचा भतीजे से, भतीजा ताया से, ताया अपने भाई से, हाँ बाप अपने बेटे से, शौहर अपनी बीवी से, यही कुछ मेरे और आपके घरों के झगड़े उनके रजिस्टरों के अंदर कैद है। और एक बड़ा पैसा उसके अंदर बर्बाद किया जा रहा है। जरा सी बच्चों की लड़ाई हुई, अगर हम अपने अपने बच्चों को समझा लेते, लेकिन नहीं, बच्चों की लड़ाई को बड़ा बना दिया, झगड़ा इतना बड़ा, हजारों से लाखों में खर्चा आ गया, और मुझे कहने दीजिए लाखों से करोड़ों तक खर्चे पहुंच गए, लेकिन पीछे हटने का नाम नहीं। अगर हट गए तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, इन 3 चीजों में मेरा और आपका पैसा बर्बाद है, फिर क्यों ना जमीनें खत्म हो, फिर क्यों ना कारोबार खत्म हो, फिर क्यों ना मेरे और आपके औलादों में कुछ भी ना आए, क्यों ना मेरे और आपके औलादों में कटोरे आए? ऐ अल्लाह के नेक बंदो, फिर क्या चीज हमारे बच्चों को दूसरों के सामने से हाथ फैलाने से बचा सकती है? मेरे उलमा फरमाते हैं आज के जमाने में सिर्फ तालीम है। अगर सब कुछ बर्बाद हो गया फिर भी घबराने की जरूरत नहीं, आओ अपनी औलादों को तालीम के मैदान में लेकर के आओ। अल्लाह की कसम, अगर ये कामयाब हो गया, जितनी जमीन तूने खोई है उसकी दोगुनी चौगुनी इंशाल्लाह ये औलाद तेरे कदमों के अंदर जमीनों को डाल देगी। तो इंशाल्लाह करेंगे ना अपनी औलादों पर खर्च, किस चीज में? कपड़ों में नहीं,
उनकी जीरे पूरे करने में नहीं बल्कि इंशाअल्लाह तालीम पर खर्च करेंगे, खाली अपनी औलादों पर नहीं बल्कि महल्ले के गरीब इसी तरह नादार मुफलिस जो भी बच्चे हैं इंशाअल्लाह उनकी भी तालीम का खर्च उठाएंगे। ऐ अल्लाह के नेक बंदे, कुछ भी ना हो जब किसी बड़ी सीट पर जाकर के बैठेगा तो इंशाअल्लाह तुझे दुआएं देगा। तो ये मेरे और आपके जिम्मेदारों की जिम्मेदारी बनती है, जो मसाजिद और मदारिस के जिम्मेदार हैं वो बैठ करके गौर करें, गौर और फिक्र करें कि हमें इन औलादों की किस तरीके से फिक्र करनी है। करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक दे दे। आमीन। वाखिर दावाहुम अलहम्दुलिल्लाह।